Hello friends, I am Vikram Singh. Today I am unboxing new Casio Edifice watch. So first of all, I will inform you that in future I am represent limited edition watches on my channel, which never show on YouTube. So please keep watching my channel, subscribe and take benefits of latest updates. दोस्तों ये आज हमारे पास ये वॉच है और इस वॉच में से जो अनबॉक्स किया मैंने इसके अंदर हमें ये एक कैटलॉग मिला है. कैटलॉग डिफरेंट लैंग्वेजेस में है. इसको हम साइड में रख देते हैं. इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह दिया हुआ है कि किस तरीके से सेटिंग की जाएगी, टाइम्स वगैरह की, जितना भी इसके अंदर फीचर्स हैं उनके अंदर. तो हम इस वॉच को देख लेते हैं एक बार. इस वॉच की पैकिंग जो है आई है इस तरीके से. इसमें जो इसकी प्रोटेक्शन है पॉली पैक लगे हुए हैं कुछ जगह प्रोटेक्शन के लिए. ये इसका कुशन है. कुशन में इस तरह से फिटिंग में ये आई है वॉच. तो कुछ इस तरह से आपको चलते हुए वॉच ये मिलेगी. तो इस वॉच को देखने से पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं हम. इस वॉच में आपको डिफरेंट मोड मिल जाएंगे. वेदर शो कर देगा, डेट शो कर देगा, मिनट शो कर देगा. स्टॉप वॉच है इसके अंदर साथ में. तो बात कर लेते हैं इस वॉच की. तो इस वॉच का जो बॉडी है वो मेटल का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का है, सिल्वर कलर है. एनालॉग वॉच है ये मेनली. तो इसका जो बकल है वो बकल थ्री फोल्ड बकल है, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत काम का रहेगा. ये आपकी वॉच कभी गिरने नहीं देगा. ये बकल काफ़ी सही रहता है देखने में आया है कि वॉच गिरती नहीं है इसकी वजह से कभी भी. और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी देखी जाए तो. इसका देखिए आप, रॉयल लुक आता है काफ़ी. और आप इसका बकल देख सकते हैं, काफ़ी सेफ्टी से बनाया गया है बकल कि जिससे कि आपकी वॉच बिल्कुल भी गिरे ना. और इसके ऊपर एडिफिस का स्टैंपिंग किया गया हुआ है बकल पे, और पीछे साइड में भी स्टैंपिंग किया गया हुआ है कैसियो, साथ में एडिफिस का लोगो भी इसमें साथ में लगा हुआ है. और हम इसका देखते हैं आगे की साइड से. तो इसमें आगे साइड में आपको नीडल्स के साथ में आपको डेट देखने को मिल जाती है, सेकंड की मिल जाती है, 1/20 सेकंड्स तक का मेजरिंग कैपेसिटी है इसका. और अब इस वॉच में देखते हैं साथ में मोड चेंज करने के लिए आपको दिया गया है साइड में, इनसे आप मोड चेंज कर सकते हैं. और मोड चेंज करने के साथ में जो इसका सामने का लुक है वो ब्लैक कलर का और ड्यूअल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर ब्लैक ब्लू का, वो काफ़ी अच्छा है इसके अंदर. इसकी थिकनेस है, थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है. हैवी आपको मेज़र करके दिखाता हूँ मैं इसकी थिकनेस. ये थिकनेस मुझे काफ़ी हैवी लग रही है. शायद कुछ लोगों को पसंद आए, कुछ को बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ को ना भी आए, ऐसे भी हो सकता है. तो मेज़र करने के साथ साथ मैं आपको कुछ चीज़ें भी बता देता हूँ इसमें. इसका जो आपका वाटर रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो 100 मीटर की है. इसका प्रेशर जो है 10 बार तक का है, तब जाके इसके अंदर पानी जा पाएगा. और इसको हम मेज़र करते हैं तो इसका जो मेज़रमेंट आता है थिकनेस में, तो ये जो थिकनेस आ रहा है इसका वो आपका 12.55 mm आ रहा है. तो थिकनेस काफ़ी हैवी है. डायल चेक कर लेते हैं इसका एक बार. डायल जो इसका आ रहा है आपका, डायल आपका 44.20, तो 44 अप्रॉक्स मान लीजिए इसका डायल आपका मिलेगा आपको उसमें. और इसका जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप को चेक कर लेते हैं. 20 mm का स्ट्रैप है. नॉर्मली आप जब देखते हैं तो 22 mm तक का स्ट्रैप होता है ऐसी वॉचेस में जो हैवी वॉच होती है उनमें. और इसका स्ट्रैप का थिकनेस आप चेक कर लेते हैं. थिकनेस में 3.76 तक आ रहा है, ये भी थिकनेस ठीक है. और ये इसका बकल का थिकनेस है, ये थोड़ा मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, क्योंकि पता नहीं इतने हैवी वॉच हो इतना पतला बकल. यहाँ पे ये आपका 0.07, तो ये कुछ आई थिंक 0.1 तक का तो बनाना ही चाहिए था जिससे कि अच्छा होता, ये हैवी हो जाता. और ये बकल थोड़ा सा पतला था. और सामने से देखते हैं अब इस वॉच का कॉम्बिनेशन, तो मुझे बहुत बेहतरीन लगा है कॉम्बिनेशन. इसको हटा के पहन के देखते हैं. मैं एक बार पहन के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आपको लगेगी. पहनने के बाद आपने देख लिया कि वॉच किस तरह से लगेगी. और इसके अंदर सामने जो लिखा हुआ है टैकियोमीटर, इसमें एम्बॉडिंग वर्क के सामने साथ में राउंड में नंबर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट, जो सेकंड्स में काउंट करेंगे. नीचे आपका सेकंड आपका 1:20 सेकंड्स में की मेजरिंग कैपेसिटी है इसकी.
जो कि काफ़ी बारीकी से आपका सेकंड्स में जब आप स्पोर्ट्स वगैरह पर्सन्स में होते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी। और बाकी आप देख लीजिए किस तरह से वॉच लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वॉच कैसी लगी। इस वॉच को खोलना भी बहुत ईजी है। तो दोस्तों इस वॉच का एक बार मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। स्टेनलेस स्टील की है, सिल्वर कलर है, एनालॉग वॉच है ये, 100 मीटर का रेजिस्टेंट है, वाटर प्रेशर जो इसका 10 बार का है, 3 फोल्ड है, स्टॉप वॉच है इसके अंदर, साथ में डेट नर्स टाइम एक्सेट्रा, स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छी है रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए। तो आप मुझे बताइएगा कि ये वॉच आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों क्या आप बिल्कुल जानना चाहते हैं कि YouTube पे ऐसी कौन सी वॉच है जो अभी तक आज तक नहीं आई है? जी हाँ, बिल्कुल है ऐसी वॉच जो कि बहुत अच्छी वॉच कह भी सकते हैं, यूनिक वॉच है काफ़ी। आपको मैं बिल्कुल अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम YouTube पे दिखाऊंगा, आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है हिस्ट्री से जुड़ी हुई हो, कुछ फैक्ट से जुड़ी हुई, कुछ डाटा ऐसे होंगे उसके अंदर जो आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो वॉच सिर्फ कुछ ही बनी हुई है। आई थिंक वो सिर्फ 20 वॉच ही इंडिया में बनी हुई है, इसके ज़्यादा नहीं बनी है वो। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको हर एक नई वीडियो आपके लिए बहुत काम की रहेगी, बहुत जानकारी भरी हुई वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा मैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।